किसी जगह पर अगर किसी प्रकार की कंपनी अगर बिठाई जाती है तो गांव वालों को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, आर्थिक एवं अन्य प्रकार की सुविधाएं एवं लाभ मिलेंगे। लेकिन ग्राम पंचायत देलारी के आश्रित ग्राम पाली में 2007-08 में माँ काली एलवे उद्योग नाम की एक कंपनी आई जो इसी का अनुसरण करते हुए बड़े बड़े वादे किए, लेकिन कंपनी खुलने के मात्र एक वर्ष बाद उसका प्रकोप दिखना चालू हो गया। यहाँ का ये जमीन का मालिक हूँ जी सर, और ये जब से ये प्रदूषण हुआ है मैंने 10 साल हो गया इसे मैं खेती कर नहीं पा रहा हूँ। डस्ट के चलते जो है मैंने कि दुनिया भर का बीमारी एवं फोड़ा फुंसी खाद खुजली ये सब तालाब के पानी से निकल रहा है एवं खेत में किसी भी प्रकार की मैंने फसल उग नहीं रहा है, बंजर पड़ा हुआ है। और कितने लोग प्रभावित है गांव से इसके अलावा आपके अलावा? इसके अलावा गांव में बहुत सारे किसानों को परेशानी तकलीफ मैंने उठाना पड़ रहा है, किसान और दूसरे किसानों की भी जमीन है जो कि मैंने आज बंजर पड़ा हुआ है जी। तो जब 7-8 साल से जमीन बंजर पड़ा है तो आप अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, किस प्रकार से अपना? बस छोटा छोटा दुकानदारी करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ मैं। खेत में कितना मोटा डस्ट जमा है? 1.5 फीट मैंने कि डस्ट जमा हुआ है जी। तो आप इसमें अब जोतना और बोना सब छोड़ चुके हैं? हाँ छोड़ चुके हैं। कलेक्टर के पास भी गए थे जी, वहाँ पर शिकायत किए थे, प्रदूषण ऑफिस के पास गए थे, उन लोग 2 बार आए थे और 15 दिन में कुछ करेंगे बोलते हैं, कुछ नहीं होता है। और यहाँ मैंने प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा है यहाँ का जी। कंपनी प्रशासन के पास दबाव डाले थे, अभी जो बड़ा पानी गिरा था उसे मैं गया था तो परेडा और नायक को यहाँ बुला के लाया जी। इसके लिए आप क्या एक्शन ले रहे हो? तो उन लोग बोले सेठ, तो सेठ को फ़ोन करके उन लोग पूछे मेरे सामने में, सेठ बोल रहा है पानी से जाबे करेगा, पानी तो कौन रोक सकता है, उसके लिए हम लोग कोई जिम्मेदार नहीं है, उसका जिम्मेदार ऊपर वाला है। डस्ट की शिकायत प्राप्त हुई है और इस संबंध में यथाशीघ्र उचित कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ निश्चित डेट अगर आप बता दें? 2-4-6 दिन के अंदर ठीक है जी। और निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता भी उपस्थित रहेंगे। मैं तथा गांव के अन्य लोगों के साथ पर्यावरण अधिकारी से मिलने गए। पर्यावरण अधिकारी ने कहा कि कुछ ही दिनों के लिए, लगभग 7 दिनों के अंदर मैं इसके ऊपर कोई कार्रवाई करूंगा। लेकिन आज महीने गुजर जाने के बावजूद उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गांव के अन्य लोगों एवं संतोष प्रधान को इस ज़मीन के लिए मुआवजा मिले तथा उनके ज़मीन से जमा हुआ डस्ट निकाल दिया जाए जिससे वे खेती कर सकें या कोई दूसरा कार्य कर सकें। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से अनुरोध है कि वे वर्तमान पर्यावरण अधिकारी को 9685-95442 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहर्ड के लिए।